अरे अरे बेटा उठो उठो, क्या हुआ तुम्हें? अंकल मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, चलो। नहीं, मेरे दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ बाप ना भाई बहन और मैं खाना तू। अरे तुम रोना बंद करो, मुझे बताओ अगर तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है तो तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारा नाम क्या है? कल मैं फुटपाथ पर रहती हूँ और मेरा नाम सुहानी है। कोई बात नहीं बेटा, आज से तुम मेरी बेटी हो और मेरे साथ अपनी घर ही रहोगी। चलो अपनी घर। बैठो बेटा। पापा ये लड़की कौन है? कबाड़ जैसी दिख रही है, कहाँ से पकड़ के लाए हो इसे? हाँ पापा कौन है ये? किसी झोपड़पट्टी से उठा के लाए हो क्या इसे? बहुत बदबू आ रही है इसमें से। बच्चों ये क्या तरीका हुआ इस मासूम लड़की से बात करने का? मैं आप लोगों को बता दूं कि आज से हमारे साथ ही रहेगी। क्या? लेकिन पापा तरह से देखो तो ये हमारे साथ रहने की लायक है? ऐसे किसी को फुटपाथ से उठा के ले आए? पापा शगुन सही कह रही है, ये हमारी बराबरी की है। अंकल यार मेरे बारे में क्या बोल रहे? बच्चो आज से तुम्हारी बहन है और मैंने इसे बेटी माना है। चलो बेटा तुम रोना बंद करो, इनको मैं समझाता हूँ। जाओ अंकल से बात करना, यही मेरा आखिरी फैसला है। शगुन ये पापा भी ना पता नहीं किस राह चलती मुसीबत को हमारे घर ले आए, हमें इसे निकालना ही होगा। तुम टेंशन मत ले, ये तो यहाँ पर बस 2-3 दिन की मेहमान है। ओहो, मैडम जी पढ़ाई की जा रही है, कभी बुक की शक्ल भी देखी है? अरे शगुन पढ़ाई तो छोड़, इसे देख कर लगता है इसने तो स्कूल की भी शक्ल नहीं देखी होगी। क्यों मैं पढ़ाई नहीं कर सकती? अब तो मैं आपकी बहन हूँ ना। है? अरे तुझे आए हुए यहाँ पे 1 घंटा भी नहीं हुआ और तू हमारी बहन बनने चली, चल चुप कर। पापा ने इसे एक बार झूठ झूठ में बेटी क्या बोल दिया, ये तो सच में हमारी बहन बनने चली। बेवकूफ। नहीं नहीं आपके पापा झूठ नहीं बोल सकते, उन्होंने मुझे सच में अपनी बेटी बोला है। अरे वो तो तू रो रही थी ना इसलिए पापा ने तुझ पर तरस खा के तुझे अपनी बेटी बोल दिया। और सच तो ये तेरी बिल्कुल भी औकात नहीं हमारे साथ बैठने की, जा घर में बहुत काम पड़े, चुपचाप से कर। मेरे कमरे में क्यों आई तू? भैया मैं तो घर का काम कर रही हूँ और यहाँ पर पोछा लगाने आई हूँ। कोई जरूरत नहीं मुझे भैया बुलाने की, और मैं कोई तेरा भाई भाई नहीं हूँ। लेकिन भैया मैंने ऐसी कौन सी गलती की है जो आप और शगुन मुझसे ऐसे बर्ताव कर रहे हो? गलती? तेरा गरीब होना ही तेरी सबसे बड़ी गलती है, और मैं तुझ जैसी लड़की को अपनी बहन नहीं मानता। चल चुपचाप अपना काम कर। बढ़िया ही मुझे भैया बोलने वाली, रुक अभी तेरे को मजा चखाता हूँ। अबे देख क्या रही है इधर, चुपचाप से पोछा लगा। Thank you.
गणपति पापा, मैं गरीब हूँ, अनाथ हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? सब लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आप तो बोलते हो इस दुनिया में सारे इंसान एक समान हैं, तो मेरे साथ ही ऐसा भेदभाव क्यों? आप कुछ ऐसा चमत्कार करो कि प्रियांशु और शगुन दोनों मुझसे प्यार करें। अरे वाह, ये कपड़े तो कितने अच्छे हैं। अरे ये कपड़े कहाँ से लाए? पापा ने दिलाए। शगुन जरूर इसने ही जबरदस्ती की होगी पापा से। तेरा प्रॉब्लम क्या है? तुझे यहाँ एक दिन तो हुआ नहीं और तू पापा से हर चीजों पे अपना हक जता रही है। देख सुहानी, पापा अभी घर पे नहीं है तो चुपचाप इस घर से निकल जा, वरना हम दोनों से बुरा कोई नहीं होगा। निकल रही या फिर निकालू धक्के मार के? वाह बच्चों, मैं कुछ दिन मौसी के यहाँ क्या चले गई, तुम लोग इतने ज्यादा बदल गए कि इस अनाथ बच्ची को तुम लोग धक्के मार के घर से निकाल रहे हो। मम्मी आपको नहीं मालूम, ये जितनी बोली दिखती है ना उतनी बोली है नहीं, जब से घर में आई तब से सारी चीजों पर हक जता रही है। और मम्मी आप तो पापा के साथ जबरदस्ती जाकर कपड़े भी लाए। बच्चों तुम इसे गलत समझ रहे हो, इसने तो मुझे ये बोला कि मुझे कोई कपड़े नहीं चाहिए पापा, और तुम्हारी मम्मी ने इसे कपड़े दिलाए और ये कहा कि मैं भी इसे आज से अपनी बेटी मानती हूँ। बच्चों आज गणेश चतुर्थी का त्यौहार है और आज के दिन हमारे घर पे गणपति बापा का आगमन होने वाला है, और आज के दिन अगर हम इस अनाथ बच्ची को सहारा देंगे तो पापा हम पे खुश होंगे और हमें आशीर्वाद देंगे। मम्मी पापा, हमने सुहानी को पहचानने में बहुत बड़ी गलती की और उसकी गरीबी के कारण उसका मजाक उड़ाकर उसे बहुत अपमानित किया। लेकिन मम्मी पापा हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, तो प्लीज हमें माफ कर दो। प्लीज हमें माफ कर दो। और आज से तुम भी हमारी बहन हो। कोई बात नहीं, मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। गणपति बापा की स्थापना का टाइम हो गया, चलो तो बोलो गणपति बापा।